हारी ओढ़ानी तो हारी छूटल कावना बगिया ए गोरी। सो ऑल राइट गाइस, सो गाइस आज हम कुछ भोजपुरी सॉन्ग पे स्टेटस एडिटिंग करने वाले हैं, वो भी अभी ट्रेंड में बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। तो इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम VN ऐप को ओपन कर लेंगे और यहाँ से प्लस पे क्लिक करेंगे और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। देन यहाँ से फ़ोटोज़ पे जाएंगे और यहाँ से अपना जितना भी फ़ोटो लगाना चाहते हैं स्टेटस में उतना फ़ोटो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन एरो पे क्लिक करके इसके होम स्क्रीन पे आ जाएंगे और ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे और इसका फ्रेम 9:16 में क्लिक करके छोड़ देंगे। देन वीडियो के लास्ट में जाएंगे और ये एक्स्ट्रा पार्ट मिलेगा तो इसको हम डिलीट कर देंगे। देन यहाँ फोटो और वीडियो वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उस वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट करके ऐड कर लेंगे अपने लेयर पे। तो इतना हो जाने के बाद इधर स्क्रॉल करेंगे और इसको पूरा स्क्रीन पर फिल कर देंगे और यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा क्रोमा की का, तो इस पर हम टैप करके और ब्लू को सिलेक्ट करके स्पील को 100 कर देंगे। देन इतना हो जाने के बाद वीडियो को ध्यान से देखिए, थोड़ा लेयर को जूम करेंगे और ये जहाँ पे ग्रीन स्क्रीन ख़त्म होता है फर्स्ट फोटो का, वहाँ पे अपना फ़ोटो लाकर सिंपली पीछे से छोड़ देंगे। तो ऐसे ही हम अपने सारे फ़ोटो को कर लेंगे। तो पूरा कर लेने के बाद ये वीडियो कुछ इस प्रकार से दिखेगा जो कि आप देख सकते हैं। तो इतना हो जाने के बाद हम फर्स्ट फोटो पे आएंगे और सेकंड वाले प्लस आइकन जो बना है उस पर हम क्लिक करेंगे सिंपल। तो हम क्लिक करते हैं और यहाँ से एक इफ़ेक्ट मिलेगा जो कि रोटेशन का है, जो फोटो को रोटेट करेगा जो कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक नीचे अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन आएगा तो उस पर हम सिंपल क्लिक कर देंगे। देन इसको हम प्ले करके देख लेंगे तो कुछ इस तरह का एनिमेशन होगा। तो अब यहाँ पे इस वीडियो कर लेंगे सेव, तो इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। देन सेव टू एल्बम पे क्लिक कर देंगे और फिर से उसी प्रोजेक्ट को ऐड करेंगे अपने लेयर में और इस ग्रीन स्क्रीन को यहाँ से डिलीट कर देंगे और ये जो सारा इफ़ेक्ट हमने अप्लाई किया था तो इस पर हम क्लिक करके और यहाँ पे नॉन पे क्लिक कर देंगे और इस पर अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देंगे तो ये सारा इफ़ेक्ट हट जाएगा। देन इस वीडियो को भी हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे। ओके, तो इतना हो जाने के बाद हम इसको सेव टू एल्बम पर क्लिक करके यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पर जाएंगे, प्लस पे क्लिक करके और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे और फोटोज़ में क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक वाइट बैकग्राउंड का फ़ोटो यहाँ से ऐड कर लेंगे, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इसके एंड पार्ट में आएंगे और ये ब्लैक स्क्रीन को डिलीट कर देंगे और साइज को थोड़ा बढ़ा देंगे। देन प्लस पे क्लिक करेंगे और फोटो वीडियो पे क्लिक करके जो हमने अभी वीडियो एक्सपोर्ट किया था जो बिना ग्रीन स्क्रीन का था तो उसको हम यहाँ से ऐड कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। देन फिर से हम ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक और वीडियो को ऐड करेंगे जो कि ग्रीन स्क्रीन में हमने उस वीडियो को एक्सपोर्ट किया था, तो उस वीडियो को भी हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। देन इसको हम पूरे स्क्रीन पे फिल करेंगे तो इधर एक फिल नाम का ऑप्शन होगा, सिंपली उस पर क्लिक कर देंगे। देन इस ग्रीन स्क्रीन को हटाने के लिए क्रोमा की पे क्लिक करके स्पील को 100 कर देंगे तो ये ग्रीन स्क्रीन हट जाएगा। देन फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एडजस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेचुरेशन को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको -100 पे करके राइट पे क्लिक कर देंगे। अब हम दूसरे वाले लेयर पे क्लिक करेंगे और इसको अपने फिंगर से ग्रीन स्क्रीन के बीच में कुछ इस प्रकार से सेट कर देंगे जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा अपने हिसाब से। तो इतना हो जाने के बाद हम प्ले करके देख लेते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा।
तो अब यहाँ से फिर से ऐड पे क्लिक करेंगे और फोटो और वीडियो पे क्लिक करके यहाँ से एक फ़ोटो लेंगे जो कि वाइट पीएनजी है शैडो का। तो इसको हम पूरा स्क्रीन पे फिल कर देंगे कुछ इस प्रकार से। देन फिर से ऐड पे क्लिक करेंगे और फोटो वीडियो में जाके एक वीडियो मिलेगा लिरिक्स का जो कि सॉन्ग है, तो उस वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट करके ऐड कर लेंगे। तो ये सारे चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको अच्छे से एडजस्ट करके नीचे लगा देंगे कुछ इस प्रकार से। और यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा क्रोमा की का, तो क्रोमा की पे क्लिक करेंगे और वाइट को सिलेक्ट करके स्पील को 100 कर देंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। देन लिरिक्स वाले लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका वॉल्यूम को हम 100 पे रख देंगे कुछ इस प्रकार से, तो ये बजेगा म्यूजिक अपना। तो इसके बाद हम फिर से ऐड फोटो या वीडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक इफ़ेक्ट मिलेगा जो कि हार्ट शेप में है, तो उसको हम यहाँ से ऐड कर लेंगे और इसको भी पूरा फुल स्क्रीन पे फिल कर देंगे। और ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे जाके इसको हम स्क्रीन पे क्लिक करके राइट पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा स्टेटस बन चुका है गाइस। तो ये देख लीजिएगा आप प्ले करके, तो यहाँ से इस वीडियो को हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।